चलो चलो पीछे लो पीछे लो पीछे लो, बस रुक दो। हाँ बस बस चलो चलो बेंच वाला चलो 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 बच्चों बेंच पे पैर रखो ऊपर चढ़ाओ जल्दी लाइन में। अरे बच्चों को ठीक से ऊपर चढ़ाओ चलो चलो चढ़ाओ सब लोग आराम से जल्दी चढ़ाओ। कैसे हो अपने वाइस प्रिंसिपल के क्या हाल है? बढ़िया है। अगली मीटिंग कब है? बच्चों की संख्या बढ़ रही है ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब हर एक बच्चे का 50 बढ़ा दो, उनके माँ बाप की डिमांड है भाई। अगली बार बढ़ा दूंगा। और कुछ मेरे बारे में भी सोचो, तुम्हें हर बच्चे का 200 मिलता है। हाँ। उसी में से कुछ अपने लिए निकाल लो। उसमें कुछ नहीं होता, इतनी महंगाई है। 1 2 3 4 5 6 7 तुम लोग स्कूल के समय बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये नया टीचर है तभी ऐसा बोल रहा है। रोको उतरो उतरो। अरे चलो चलो बच्चो चलो चलो ऊपर चलो जल्दी करो चलो जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो। अरे चढ़ाओ। अरे चलो बच्चों संभल के चलो चलो चलो। अरे देखो ध्यान से संभल के ध्यान से बेटा चलो 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 सब चलो संभाल के बेटा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग बहुत सवाल पूछ रही हो। शहर में पहली बार आई हो क्या? मैं गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई हूँ। तुम्हें कोई और स्कूल नहीं मिला? जाहिर है सुनकर झटका तो लगेगा ही, वो स्कूल नहीं मच्छी बाजार है। जहाँ पर भी देखो हर जगह कचरा फैला हुआ है, शोर इतना कि दोनों कान सुन हो जाते हैं। जाति के नाम पर ग्रुप बनाकर सारे बच्चे एक दूसरे से मारपीट किया करते हैं। वहाँ के सारे टीचर्स अपनी अपनी मनमानी किया करते हैं, जैसे उनका घर हो। वैसे तो सरकारी स्कूलों की यही हालत होती है, और ये सरकारी स्कूल तो सबका बाप बना बैठा है। स्कूल इसलिए बनाए जाते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इस स्कूल की ये खासियत है कि अगर इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको दुनिया भर की बुरी आदतें आ जाएंगी। इस शहर का नाम पुथूर है और ये पत्थरों के युग के जैसा ही स्कूल है। वो देखिए ये वही जगह है जिसकी मैं अभी तारीफ कर रहा था। इतना कहने के बाद भी एडमिशन यहीं करवाएंगी? जाइए जाइए, आज के जमाने में किसी को भी मुफ्त की सलाह नहीं देनी चाहिए। मेरे खाते में लिख देना। का नाम याद रखना ठीक है? तुमसे बाद में पूछूंगी। वो विदेशी थे, वो हमारे देश को लूटने आए थे, ये बात तुम लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी होगी। यस टीचर। वेरी गुड। अब बताओ क्या नाम था उनका? ठीक है, अब हम लोग साल याद करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम धंधा अच्छा चल रहा है। मैं रजिस्टर पे साइन करने आया था, अभी दुकान पे कोई नहीं है इसलिए चलता हूँ। ठीक है जाओ। Excuse me. सुबह की प्रेयर नहीं होती? क्या काम है तुम लोगों को? एडमिशन करवाना है। हाँ तो वेट करो, जब वाइस प्रिंसिपल आएंगे तो उनसे रसीद ले लेना, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म दूंगी। लगता है यहाँ प्रिंसिपल ही नहीं है। हाँ हाँ नहीं है कोई प्रिंसिपल। जाओ मेरे सर पे मत खड़े रहो, वाइस प्रिंसिपल मुझ पर चलाएंगे। बाहर चलिए। सुकून से रंगोली भी नहीं बनाने देते। नमस्ते सर। हाँ, जाके दोनों घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवा देना। जी सर।
मीना मुस्कुरा दे। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? रास्ते से हटिए, इंस्पेक्शन कर रही है क्या? खाली फुकड़ का। गुड मॉर्निंग सर। ए सुनो, यही हरीश जी हैं, आकर बात कर लो। बताइए क्या बात है? इस बच्ची का एडमिशन करवाना है। महीना भर हो गया स्कूल शुरू होके और तुम अब आ रही हो? कौन से स्टैंडर्ड में? सिक्स्थ। ढाई हजार किस बात के? सरकारी स्कूल की फीस तो 230 रुपए है। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ना आप तो पूरे 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। एक महीने बाद आई है तो ये अमाउंट ज्यादा नहीं है। इनकी एडमिशन करानी है तो ये रकम देनी पड़ेगी, नहीं तो जाइए यहाँ से। तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, तुम्हें टीचर किसने बनाया? ए, ए, क्या बात कर रही है तू? तू मेरी बेइज्जती कर रही है। बेइज्जती की तो गुस्सा आ गया ना, ढंग से बात करो वरना मुझे भी गुस्सा आता है। ओ, तो तुझे भी गुस्सा आता है? वाह वाह, इतना गुस्सा आता है तो इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दे। अगर कोई रिकमेंड करेगा भी ना तो मैं इसका एडमिशन रोक दूंगा। अब निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। प्रिंसिपल है। मैं गीता रानी, आज से स्कूल की नई प्रिंसिपल। 9 बजे से पहले स्कूल पहुंचना होगा। 9:05 को स्कूल गेट बंद हो जाएगा। दीवार फांद कर कोई नहीं आएगा। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना बहुत जरूरी है। बेल बजने के बाद अगर कोई भी टीचर क्लास में नहीं पहुंचा तो उसे मेरी तरफ से नोटिस मिल जाएगा। ममता जी मैडम, 3 नोटिस मिलने के बाद उसे सस्पेंड किया जाएगा। जो टीचर रजिस्टर में साइन करने के बाद क्लास में नहीं जाएंगे उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन होगी। सस्पेंशन मैं रिकमेंड करूंगी। लगता है अब तो काम करना पड़ेगा। ए बेटी, स्कूल स्कूल जैसा होना चाहिए, टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। अपनी क्लास में जाओ। मैडम, सभी टीचर्स को इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ बुलाऊं क्या? कितना टाइम जाएगा? 1 घंटा लगेगा मैडम। तो फिर उस दौरान क्लास में कौन रहेगा? जरूरत पड़ने पर मैं डिटेल्स मंगवा लूंगी। सबसे कहो अपनी क्लास में जाए। हाँ, ओके मैडम। ममता जी मैडम, ये क्लास में क्यों नहीं गए? मैडम अभी तक इनका शेड्यूल नहीं बना है। इनका शेड्यूल बनाकर इनके हाथ में थमा दो और इनसे कहो कि टाइम पे क्लास शुरू करें। ऑफिस में इस तरह बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। ये किस लिए है? आपकी परमिशन के बिना कोई अंदर ना आ सके इसीलिए। मंदिर के अंदर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, वहां कोई भी आ जा सकता है। हटा दो उसे। ओके मैडम। अरे बाप रे, यहाँ की हालत बहुत बुरी है, ये यहाँ कैसे बैठेगी? साफ करवा देता हूँ मैडम, अभी सफाई वाले को बुलाता हूँ। इनका एडमिशन कर दिया मैडम, प्लीज साइन कर दीजिए। इसे रोज स्कूल भेजना। ओके मैडम। जाओ बेटा। चल। क्या बात है? सॉरी मैडम, पता नहीं था आप प्रिंसिपल हैं। ये सब तो पढ़ने में बिजी हैं। मैं कुछ खा लेता हूँ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पता चला तो सारे छीन कर खा जाएंगे, भुखड़ गएंगे। ए, वॉइस प्रिंसिपल सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। आइए ना सर, अंदर आइए। सर 6 महीने में पहली बार स्टाफ रूम में दर्शन देने आए हैं। अरे हटो ना, तुमको कहना पड़ेगा क्या? सर हमने बेंच की मरम्मत करवा दी है, पहले बहुत सारी कीले थी, अब आपको चुभेगी नहीं सर, किसी की आह नहीं निकली। ए,
ये अपने आप को महारानी समझती है क्या? और हम सबको उसके खरीदे हुए गुलाम? पकड़ा गया। अखरोट खा रहा हूँ सर। मुझे दो थोड़ी सी। निकाल के दूँ? मैं फालतू चीज नहीं खाता। तुझे क्या मजा आएगा फालतू आदमी? ममता को देखो, उसके हाँ में हाँ मिलाने लग गई। क्लास में जाओ, खड़े हो, अंदर जाओ। ये प्रिंसिपल हैं, क्लासरूम में जाओ। सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ क्योंकि टेंशन नहीं चाहिए। मेरे बाप को जानती है ना? ए? इसे कहो कि कल अपने बाप को लेकर स्कूल आए। ठीक है मैडम। ए, सिगरेट ले और यहाँ से निकल। आइए मैडम, आप यहाँ की नई प्रिंसिपल हैं क्या? तुम स्कूल के 500 मीटर की दूरी के आसपास सिगरेट और गुटखा नहीं बेच सकते। जल्दी से इस दुकान को हटा दो। आप अपने बच्चों को समझाइए, मुझे पता है दुकान कहाँ खोलनी है। अरे मैडम, आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ठीक है मैडम, सिगरेट बीड़ी नहीं बेचूंगा, गांव चला जाऊंगा। ए, ए सुना, क्या बात है? नहीं टीचर ने दुकान वाले का हाथ मोड़ दिया और दूसरे हाथ से घुमा के घुसा दिया, फिर उसके बाद पैर से एक किक मारा तो दुकान वाला उड़ के दूर जाके गिरा। तूने देखा क्या? हाँ मैंने देखा अपनी आंखों से। बाप रे, अब तो मुझे लड़कियों से बात करना बंद करना पड़ेगा। किया इसने मुझे बता के। ये बहुत चालाक है ना? बिल्कुल सही। मैं भी आ जाऊं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून। रख रख अंदर से। बैठो ना। शेयर करो। नहीं दोगे? थोड़ा मेरा भी। ये फिश करी अच्छी है, कौन लाया? मेरी टिफिन से है टीचर। अपनी माँ से कहना कि बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है टीचर। अपना अपना नाम बताओ। मैं शीतल हूँ। मैं दीपिका हूँ टीचर। मैं फराना हूँ मैम। मेरा नाम आशिका। और मैं चित्रा हूँ मैम। मैं गीता रानी। ठीक है टीचर। सिर्फ गीता कहो ना, दोस्तों को नाम से बुला सकते हैं ना। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी दोस्ती ज्यादा ना हो। ओके गीता। खाना खाओ। अरे टीचर आ गई। अरे भाग, अरे भाग, अरे भाग, नहीं तो बहुत मारेगी। अरे संभल। क्यों भाग रहे थे? अब उठो आराम से। अरे ये बुरी नहीं, अच्छी है और सुंदर भी है। मुझे देखकर भागी क्यों? मैं क्या तुम्हें चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? अगर कुछ गलत नहीं किया तो कभी भी किसी से मत डरना, समझ गए ना? कौन से क्लास में हो? सेकंड क्लास। नाम क्या है? श्याम। श्याम। कसम है मुझे तुम्हारे इस प्यार की, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की परी हो। सिर्फ दिन और तारीख बदलते हैं। पेपर की न्यूज़ देखकर लगता है पिछले दिन की ही जेरॉक्स कॉपी है।
कॉफी मांगने के बाद कहाँ गायब हो गए थे? मैं बाहर गया था केबल और न्यूज़पेपर वाले का नंबर लेने के लिए। तुम बताओ आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा रहा। लेकिन मैंने कुछ और ही सुना है। लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत क्राइम होता है, हर महीने कम से कम एक मर्डर तो होता ही है। लोग कहते हैं कि पुलिस भी यहाँ की कुछ कर नहीं पाती। अगर टीचर थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो पुलिस की मेहनत कम हो सकती है। सही कहा तुमने, बात करने में तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। कॉफी टेबल पर है। मैं पी लूंगा बेटा। बच्ची का एडमिशन हो गया ना, तो फिर आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत है? मैंने वहाँ नई नौकरी ज्वाइन की है। क्या कहा, ऐसे स्कूल में नौकरी? कैसी नौकरी? ओहो अच्छा, आप वहाँ पे क्लर्क हैं क्या? चलो तब तो ठीक है, मुझे लगा आपने वहाँ पे टीचर की नौकरी तो नहीं ज्वाइन कर ली। एक खास बात बताऊँ मैडम, इस देश के पिछड़े रहने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ के टीचर। वो अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाते हैं कि घूस लेना एक क्राइम है। आपको क्या लगता है मैडम, ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आते हैं? ये टीचर खाली स्कूल में अपनी तनख्वाह और घूस लेने के लिए आते हैं मैडम। अगर सरकार उनकी सैलरी आधी कर दे तो बहुत सारे टीचर भाग जाएंगे। वैसे भी ये टीचर लोग कौन सा स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं? क्या सोच रही है मैडम? मैडम अगर आप चाहें तो मैं रोज आपको ड्रॉप और पिकअप कर सकता हूँ। ये लो अपने पैसे। जी जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। आप सुशीला टीचर है ना? हाँ मैडम, आप मुझे जानती हैं? मैंने आपके बारे में काफी सुना है। आपसे कहा गया था कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप ट्रांसफर लेंगी, लेकिन आपने मना कर दिया। 33 सालों से स्कूल में पढ़ा रही हैं। आशीर्वाद दीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी। ठीक है बेटा। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। सुबह की प्रार्थना का नया फॉर्मेट है। जैसे ही घंटी बजेगी 5 मिनट के अंदर सभी लोग ग्राउंड में जमा हो जाएंगे। एक गाना बजाया जाएगा और उस गाने पर आप सबको डांस करना होगा। अगर टीचर्स चाहें तो वो भी डांस कर सकते हैं। इसे कहते हैं वार्म अप सॉन्ग। प्ले। अब से संडे को भी स्कूल खुला रहेगा। जरूरी नहीं कि आप सभी स्कूल आए, लेकिन मैं रोज आऊंगी। अगर आप में कोई टैलेंट है जैसे सिंगिंग, डांसिंग या फिर कुछ और, उस बारे में आपको अगर कुछ कहना हो तो लिखकर उस बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका नाम है संडे बॉक्स। हम मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे। हर रोज किसी एक टीचर पर स्कूल की जिम्मेदारी होगी। किसी एक टीचर को ही सारे इवेंट्स मैनेज करने होंगे। अगर कुछ गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी उस टीचर की ही होगी। चलिए मेरे साथ बोलिए, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे। खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे। साथ में सीखेंगे। साथ में सीखेंगे। हिम्मत से सीखेंगे। हिम्मत से सीखेंगे। दुनिया को दिखाएंगे। दुनिया को दिखाएंगे। खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे। खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे। साथ में सीखेंगे। साथ में सीखेंगे। हिम्मत से सीखेंगे। हिम्मत से सीखेंगे। दुनिया को दिखाएंगे। दुनिया को दिखाएंगे। गाड़ी चलाओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, बेलमपट्टी में हमने जो नया स्कूल खोला है ना, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में ये टीचर हैं। इन्होंने वहाँ के 12-23 बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाया। ये उसका कमीशन लेने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा, इनको 15% दे दो। ये खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। ठीक है सर, आप यही रुकिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ये खदानों की फाइल है। सरकारी स्कूल में आज नई आवाज सुनाई दे रही थी, जरा पता लगाओ कौन है वो। ठीक है सर। सुनो। हाँ सर। किसी और को मत भेजना, तुम खुद वहां जाना। ठीक है सर।
कौन है वो? वो जो औरत है ना वही। बाहर से आकर इतनी अकड़ दिखा रही है। अरे मैडम, तुम यहाँ के नई प्रिंसिपल हो, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा तो मेरे बेटे को अंदर नहीं आने दूंगी। जानती हो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का MLA हूँ। मेरा बेटा यहाँ इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो आजादी के साथ जीना चाहता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, मैं उसे टेंशन बिल्कुल नहीं देता। तुम कौन होती हो सवाल पूछने वाली? आजादी का कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए, आजादी की कद्र करनी चाहिए। क्या कहा? समझा नहीं। आपके बेटे की कोई गलती नहीं, जिसका बाप नालायक हो वो क्या करेगा? जो करना है मैं करूंगी। आप जाओ यहाँ से। किससे पंगा ले रही हो? ये मेरा इलाका है, ये मेरा स्कूल है। मैं स्कूल से निकलवा दूंगा तुम्हें। यहाँ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चलो। जीरो, तुम इसी काबिल हो। बिल्कुल सही कहा मैंने, तुम एक जीरो हो। तुमने अपने पापा के नाम के अलावा कभी कुछ हासिल किया है? कभी टॉप किया है तुमने? कभी किसी कंपटीशन में कोई इनाम जीता है? तुम तभी हीरो बनोगे जब अपने पापा के नाम के अलावा कुछ कर पाओगे, वरना जीरो ही रहोगे। हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। जब कुछ करके दिखाओगे तो फक्र होगा तुम पर, और अगर नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहां से बाहर। सिर्फ एक दिन में वो औरत इतनी मशहूर हो गई मैडम। कौन सी औरत? वही औरत जो आपके स्कूल में नई प्रिंसिपल बनकर आई है। ओहो, सुना है बहुत अकड़ू है। एक ही दिन में सबकी हालत खराब कर दी। अपोजिशन पार्टी के MLA का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है मैडम। MLA अपने बेटे के लिए प्रिंसिपल को समझाने गया, प्रिंसिपल ने उल्टा उसे ही समझा दिया। प्रिंसिपल की अभी नई नई नौकरी है ना, बाद में देखिए आगे आगे क्या होता है, वो भी उन सबके जैसी हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ? भाई ये भी कोई बात हुई? नई प्रिंसिपल ने बच्चों के माँ बाप को मिलने के लिए बुलाया, फालतू का समय बर्बाद कर रही है। अरे देख देख कैसे पुलिस वाले की तरह चल रही है। सब लोग आ गए हैं। ठीक है, बैठो भाई बैठो। आप सब लोग शांति से बैठिए प्लीज। नमस्कार, मैं स्कूल की नई प्रिंसिपल। अरे हाँ हाँ, रात को पिक्चर देखने चलेंगे। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, पैसे हैं। फोन रख फोन रख, वो मैडम देख रही है, बाद में बात करता हूँ। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोगों का स्कूल के साथ एक अलग सा लगाव है। जो लोग यहाँ पर पढ़े हैं क्या वो मुझे बता सकते हैं कि तब से लेकर आज तक यहाँ क्या बदलाव हुआ है? कुछ नहीं बदला मैडम, सब पहले जैसा ही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? MLA और MP भी यहाँ कोई काम नहीं करते। इसके अलावा यहाँ के ऑफिसर्स यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में ऊपर रिपोर्ट नहीं देते मैडम। हाँ, इसके अलावा यहाँ की सरकार और सिस्टम कुछ नहीं करती मैडम। आपने क्या किया? जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की उसके लिए आपने क्या किया? शहर के मंदिरों को हम कलर करते हैं, उन्हें चमकाते हैं। सरकार तो मंदिरों की कोई मदद नहीं करती, हम लोग ही करते हैं। बात तो सही है, ठीक कह रहे हैं ये। स्कूल और मंदिर अलग होते हैं। स्कूल तो उससे भी पवित्र है, गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। मंदिरों के लिए लोग दिल खोल कर दान करते हैं, स्कूल के लिए दान क्यों नहीं कर सकते? अगर आप लोग मंदिर के अलावा भी कुछ चीजों के लिए आगे आए तो बदलाव होगा। सिर्फ स्कूल ही नहीं, यहाँ के टॉयलेट्स भी चमकाने होंगे। ये भावना दिल से आनी चाहिए। जिन मजदूरों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनसे भी कह रही हूँ, बच्चों को मजदूर नहीं बनाना, तो आगे आओ उन बच्चों के लिए, हमारा साथ दो, तभी आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैं पुथूर के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। पिछले 4 सालों से स्कूल में फंड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई बदलाव नहीं है। आप कल से ही
अपना काम शुरू करवाइए। और अगर नहीं हुआ तो पूरे स्कूल को लेकर पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पहुंच जाऊंगी। दे दो ना। क्या सर, आप दे दो ना भाई। उसने बहुत कुछ कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं, उसने एंट्रेंस का बोर्ड भी बदल दिया। हम 6 महीने बाद एडमिशन शुरू कर रहे हैं ना। हाँ सर। ठीक है, एक बड़ा सा बैनर बनवाओ और स्कूल के मेन गेट पर लगवा दो। जब भी वहां से कोई गुजरेगा तो हमारे स्कूल के बारे में सोचेगा। उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद सब अपने बच्चों को एडमिशन यहां करवाएंगे। इसमें वो कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है सर। बच्चों मेरी बात सुनो। एम इज आर, वॉज वर, शैल बी विल बी, ये 12 फॉर्म्स हैं। यही इंग्लिश स्पीकिंग का फॉर्मूला है। सर। मैडम। मैं 3 सवाल कर सकती हूँ आपसे? हाँ पूछिए ना मैडम। इज दिस द इजी फॉर्मूला टू स्पीक इंग्लिश? जी हाँ मैडम, यही तो ग्रामर है। व्हाई डोंट यू टॉक इन इंग्लिश? मैं पढ़ सकता हूँ मैडम, मैं लिख भी सकता हूँ मैडम, लेकिन इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है मैडम। 40 दिन में 1 घंटे के क्लास करके आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ 12 साल पढ़ने के बावजूद भी बच्चे अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। डर लगता है उन्हें। वजह? क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स ही इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। 30 दिन का टाइम है आपके पास। अगर इंग्लिश में बात करना नहीं सीख पाए तो आपकी क्वालिटी चेक का ऑर्डर देना पड़ेगा। समझ रहे ना आप? अगर नहीं समझे तो रूल्स बुक पढ़िए। मैं 3 सवाल कर सकती हूँ सर? जरूर मैडम। मैथ्स में क्या क्या चीजें जरूरी हैं? जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, बस इतना ही तो है। इसके अलावा? इसके अलावा मैथ्स के बिना कंप्यूटर नहीं बनते, रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकते, यहाँ तक कि घड़ी की सुई उसी के हिसाब से चलती है। मैथ्स के बिना साइंस नहीं हो सकता। पहले आप खुद सीखिए, उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए। एक महीना। अगर टीचर्स खुद को अपडेट नहीं कर सकते तो स्टूडेंट्स को अपडेट कैसे कर पाएंगे? आप बुक को पढ़कर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो आप बच्चों को साइंटिस्ट कैसे बनाएंगे? ये 1719 की बात है। उस समय वहां पर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि हिस्ट्री की गलतियां दोहराई न जाए। डू हैव हैड, आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। इंग्लिश भी कितनी बकवास लैंग्वेज है। ये तो कमाल हो गया। तुम तो कहते थे केवल प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ही घर पर नोट्स बनाते हैं। तू जाकर अपनी इडली पकाना, मेरा दिमाग मत पका। माँ, क्या टीचर ने आपको होमवर्क करने के लिए दिया है? मुंह बंद कर और अपनी पढ़ाई कर। अब ये भी प्रिंसिपल की तरह बात करने लगी। पढ़िए पापा। बाहर जाओ। ठीक है। पानी O2H होता है या H2O होता है? स्कूल में तो पढ़ा था, अभी याद नहीं आ रहा। H2O, O2H, H2O, लगता है इसे पाइल्स की दिक्कत है, इसलिए बैठ नहीं रहा। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? भूख नहीं लगी क्या? O2H and... एक मिनट रुको, पेट खराब है क्या? उस औरत ने दिमाग खराब कर रखा है, हम सबको जानबूझकर टॉर्चर करती है वो। मजे तो हम पीटी टीचर के हैं, ग्राउंड में चेक करने नहीं आती ना। अगला नंबर 13 ही होगा, साफ है ये, मेरा याद रखना। ला 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 ला,
गुड मॉर्निंग। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ए बैट बॉल उधर रखो और लाइन से खड़े हो जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। वन टू। मेरे मटर के दाने। फोर। मेरे मटर के दाने। फाइव सिक्स। इसके बाद क्या खाऊंगा? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं पीटी करवा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और मैं ड्यूटी के वक्त किसी से बात नहीं करता। ओह, पहले ड्यूटी। वन टू थ्री फोर। तीन सवाल कर सकती हूँ आपसे? लगता है उसका श्राप काम कर गया। हफ्ते में दो पीरियड, मतलब साल भर में 60 पीरियड, तो इतना ही सिखाते हैं आप इन्हें? इंडिविजुअल गेम्स, क्या इन्होंने आपको टीम स्पोर्ट्स लेवल पर एग्जामिन किया? नहीं। चुप चुप रहो। तो फिर यहाँ पीटी टीचर की क्या जरूरत है? आपको इनमें कंपटीशन करवाना चाहिए। जीत उसी की होती है जो रेस में दौड़ता है। जो नहीं दौड़ेगा वो जीतेगा कैसे? किसानों के बच्चों में बहुत स्टेमिना होता है, वो मार्शल आर्ट्स और इस तरह की कई चीजें कर सकते हैं। पहले इनकी खूबियों का पता लगाइए। आप सही कह रही हैं। गांव के बच्चों का टैलेंट बाहर आएगा, तभी ये इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा मैडम। ये सब आपको करना है। और एक सवाल पूछूं आपसे, ओलंपिक्स में कितने गेम्स होते हैं? मैडम, मैं एक महीने में सब सीख लूंगा और मैं इन सबको पीटी उषा बनाऊंगा। मैं इन्हें जरूर सिखाऊंगा। आप जो मुझे कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। प्लीज मुझे मेमो मत दीजिएगा, मैंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं। अगर नौकरी बचानी है तो परफॉर्मेंस दिखाइए। परफॉर्मेंस? मेरी बीवी को भी यही परेशानी है। प्रिंसिपल को वहां से ट्रांसफर करवाना ही पड़ेगा। देखिए सर, अभी उसे ज्वाइन किए 2 ही महीने हुए हैं, तो उसका ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? और रही मंत्री जी की बात, तो वो तो आपके पहचान के हैं, उनसे बोलिए ना। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं ऑपोजिशन में हूँ, वो रूलिंग पार्टी में। एक काम कीजिए, आप खुद जाकर उनसे मिल लीजिए। अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं उससे जाके मिलूं? हाँ। मैं उससे रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, कोई और तरीका है तो बताओ। अगर ऐसा है तो ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। उसे सस्पेंड ही करवा दो, बात ही खत्म हो जाएगी। पहले तो मुझे देखकर सड़ा हुआ मुंह बनाती थी, आप कैसे मुस्कुरा रही है? गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। समझ नहीं आता कि इतनी कम उम्र में ये प्रिंसिपल कैसे बन गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से पता चला कि इसकी डायरेक्ट पोस्टिंग हुई है। हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं इसे डायरेक्ट कोर्ट में खींचूंगा। सर, मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है क्या? वो मेरे सामने घुटने टेकेगी। सर, आप सस्पेंड हो चुके हैं। क्या बोला? हाँ सर। मुझे लगता है तू यहां की महारानी है क्या? देखिए, ये बहुत ज्यादती हो रही है मेरे साथ। मुझे सस्पेंड करने से पहले कम से कम आपको मुझे नोटिस तो देनी चाहिए थी ना। सस्पेंड करने का पावर सिर्फ सीईओ के पास है। लेकिन रेकमेंड तो आपने किया होगा ना। हो सकता है, या फिर किसी स्टूडेंट ने किया हो जिसे जाति के नाम पर आपने भड़काने की कोशिश की हो, या किसी लड़की ने, या फिर किसी टीचर ने जो आपसे परेशान हो चुकी हो। आपके खिलाफ कंप्लेन करने के तो कई सारे कारण हो सकते हैं। चलिए कारण मैं ही बता देती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि आपकी 2 बेटियां हैं, मैं नहीं चाहती आपकी वजह से वो शर्मिंदा हो।
अगर आपको लगता है कि आप मेरे खिलाफ हैं इसीलिए मैंने ये काम किया है तो आप गलत हैं। स्कूल में बहुत ज्यादा ही गर्मी बढ़ गई है। सच में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है? गर्मी की वजह आपकी बेटी है। अच्छा, वो बस अपना काम करती है और बदले में उसके पैसे लेती है। वो देखो आ गई, मैं बात करता हूँ, अब आप जाइए। ठीक है सर, नमस्ते मैडम। चलो 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 बेटा। बेटा ये न्यूज़पेपर देखो, ये जो इसमें लड़का है वो क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था? पांडी अमल, कविता, करपगम, मुरुगेशन, मुथुमारी, पजनी सामी। पिछले साल 9th में आपने 82 बच्चों को फेल किया, क्या आप जानते हैं उनमें से कितने बच्चे इस साल भी यहाँ पढ़ रहे हैं? 10th क्लास का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम 9th क्लास में थोड़ी सख्ती करते हैं, यही तो प्रोसीजर है। मेरा सवाल है कि उनमें से कितने बच्चे आज भी स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा? लगता है झमेला खड़ा करने वाली है। 28 बच्चे, 54 बच्चों ने स्कूल में आना बंद किया। इसका मतलब ये है कि इन सारे बच्चों की जिंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर दी। क्या आप लोग जानते भी हैं कि इस वक्त ये सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे? इनमें से कुछ बच्चे मजदूर बन चुके होंगे और कुछ तो क्रिमिनल। तो क्या हम बच्चों को क्रिमिनल्स और मजदूर बनाने के लिए स्कूल चला रहे हैं? काबिल नहीं है तो फेल तो करना ही पड़ेगा ना। फिर तो टीचर्स के भी एग्जाम्स होंगे, देखते हैं कि आप में से कितने टीचर्स बनने के लायक हैं, और जो लायक नहीं होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। अगर इन बच्चों ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि आप लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है, तो आप लोगों की बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। क्या आप ऐसे बच्चों को एक मौका और नहीं दे सकते थे? हम उन्हें हायर सेकेंडरी पास होने के बाद ही फिर से स्कूल आने के लिए कहते हैं। हाई स्कूल में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर 9th स्टैंडर्ड में फेल होना बड़ी बात कैसे हो सकती है? मैं अब भी कहती हूँ वो सारे बच्चे पास हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर टीचर्स बहुत कम है, और उन जाहिल बच्चों को आखिर कैसे पढ़ाएं? उन्हें जाहिल मत कहिए, जाहिल तो आप हैं, सिर्फ आप लोग। हेल्दी लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिर्फ स्मार्ट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप टीचर कहलाने के लायक नहीं। मैं पीटीए फंड से और टीचर बुला लूंगी, और अगर बात नहीं बनी तो वॉलंटियर्स बुलाऊंगी। मैडम पिछले साल रिजल्ट को सीईओ और डीओ ने साइन किया था, अब ये कैसे होगा? मैडम ये कैसे होगा ये देखना मेरा काम है। उन 82 बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, अगर कोई इशू हुआ तो मैं देख लूंगी। क्या कर रहा है तू? हाथ में जान नहीं है क्या? जोर से मारना। इसे ढंग से रखना। हाँ ठीक है। भाई जरा एक मिनट रुकना। सुनो बहन, तुम्हारा नाम मुथुमारी है? हाँ सर। मुरुगेशन, वेलन, अय्यनार, देवी, जेनिफर, सबका नाम क्यों ले रहे हैं? प्रिंसिपल साहिबा ने तुम्हें पास कर दिया है, तुम 10वीं में चले गए। तुम हाथ धोकर चलो, जल्दी चलो, अभी तुरंत बुलाया है तुम्हें। अरे जाओ जाओ, इस बार अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ तुम लोग 9th क्लास पास कर चुके हो, ऐसा प्रिंसिपल मैम ने कहा है, अब तुम 10th में आ गए हो। सॉल्ट के बारे में, शोर सॉल्ट दो तरह के होते हैं, सी सॉल्ट और कोशर सॉल्ट। ए और बी, बी इक्वल टू सी, अब ए और बी को मिला दीजिए। अठारह नंबर मकान यही है ना? हाँ यही है। सर हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमें क्यों अरेस्ट करने आए हैं सर? ये लड़का 7वीं कक्षा में है ना? हाँ सर। एक महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? मेरी कमाई से खर्चा नहीं चल रहा था, इसलिए इसको काम पे भेजा। 8वीं कक्षा पूरी करना ये नियम हो गया है, अगर बच्चे के माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इनकी प्रिंसिपल ने हमें कंप्लेंट की है, बताइए क्या करें? कल से इसे मैं स्कूल भेजूंगी सर। ठीक है, कल से भेज देना।
परी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। चलो रस्सी काट दे। लाइए सब्जी झोले में डाल देता हूँ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। आप गीता टीचर हैं? जी हाँ। जरा एक मिनट। हाँ? ये टमाटर आप लोगों के लिए नहीं है। मुझे थोड़ा सा देना। क्या है ना टीचर, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बेटा एग्जाम पास कर लेगा। आपने तो इसे नाइन्थ में पास कर दिया। ये टमाटर एक दिन में खराब हो जाएंगे, तो ये मैं आपको नहीं देना चाहता। अच्छा, तो ये किसी और को देना ठीक रहेगा? इन्हें बेचकर मैं मैडम 50 रुपए कमाता, लेकिन अब नहीं कमाऊंगा। ए मनु स्वामी, ताजा टमाटर है क्या? मेरे पास सुबह ये ताजे टमाटर आए हैं। हाँ, उसके पास ताजा टमाटर है, वो ले लीजिए। अब ये टमाटर मैं नहीं बेचूंगा। होटल भिजवा दे। फिर आइएगा मैडम। ठीक है, आइए। ठीक है, तू इन्हीं के बारे में बोल रहा था ना? हमने परमिशन लेकर बैनर लगाया था सर, फिर भी गिरा दिया। कहते हैं बैनर लगाने के लिए पेड़ काटे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दी। मैंने दूसरे बैनर का इंतजाम कर दिया। सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। इसे भूल जाते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो सिर्फ एक स्कूल के लिए नहीं, बल्कि उन सभी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ काम कर रही है, जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, लाखों खर्च करते हैं एडमिशन के लिए, लाखों की डोनेशन के साथ लाइन में खड़े रहते हैं। जानते हो क्यों? बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, शान दिखाने के लिए। अगर उसने सबको जागरूक कर दिया तो हमें अपने स्कूल बंद करने पड़ेंगे। नमस्कार, आप जानती हो ना मैं कौन हूं? अच्छी तरह से जानती है। ये लो बेटा चाय पियो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने आपको न पहचानने की भूल कैसे कर दी। मेहमान की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए आप यहाँ खड़े हैं। हाँ, आप 56 भोग का बैनर लगाकर भूखे को दावत खिलाने का लालच दे रहे हैं, वो भी ऐसे स्कूल के सामने जहाँ गरीबों के बच्चे आते हैं। एसी रूम्स और शानदार कमरे दिखाकर आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने समझ क्या रखा? हम बैनर लगाएंगे, आप सवाल करने वाले कौन होते? तो मुझे मेरे ही घर में धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो, ये अपने काम से काम रखे। अगर तुमने गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। अब जा सकते हो। ठीक है, मैं अपने काम से काम रखूंगा। मैं चलता हूं टीचर। गुड मॉर्निंग सर। सुनिए, कलेक्टर साहब आए हैं। ठीक है, आने दो उन्हें। आप खड़ी होइए, वहां कलेक्टर साहब बैठेंगे। सर। हेलो सर। हेलो। वेलकम टू माय स्कूल। प्लीज बैठिए। सुनिए, चाय कॉफी तो मंगवाइए मैडम। सरकार की तरफ से मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिलते। अगर जरूरी है तो अपने पैसे से पिलाती हूँ। रहने दीजिए। इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, हमारे साथ आइए। आप बिना बताए आए हैं। देखिए, मुझे कुछ काम है। स्कूल में पढ़ाई चल रही है, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं।
चित्रा, क्या हुआ गीता? आज का प्रिंसिपल कौन है? कयाल बिजी टीचर। जाओ उन्हें बुलाओ। ओके गीता। आप चेक कर सकते हैं, वो आपके साथ जाएगी। Plus b the whole cube is equal to a cube plus 3 a square b plus 3. Good morning, a sir. Plus b the a minus b. नमस्ते सर। नमस्ते। कैलवी मैं ही हूँ। ओह, आज की प्रिंसिपल? यस सर। चलिए मेरे साथ। चलो, प्रिंसिपल की कंप्लेंट कलेक्टर को करते हैं। तू कंप्लेंट में कहेगा क्या? पहले हम कुर्सी तोड़ते थे और अब वो कहती है काम करो, या फिर वो टॉफी चूसने नहीं देती। बेहतर होगा अपने काम पर ध्यान दे। लड़के और लड़कियां अलग अलग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो। चल चल, इधर देना। कल मुझे इधर आओ। कहाँ ना इधर आओ, जल्दी करो। कहाँ जाना है तुम्हें? दिल्ली जाऊंगा मैडम। हाथ आगे कर। कैसे जाने वाले हो? एरोप्लेन से। अच्छा जाओ। अरे तुम तो चंडीगढ़ में रुक गए। छड़ी मुझे दो। अब किसकी बारी? लक्ष्मी तुम इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ट्रेन से जाऊंगी टीचर। ये लो छड़ी, जाओ। लड़कियाँ जीतने वाली है, तालियां बजाओ उसके लिए। अगली जगह विशाखापट्टनम है, तुम जहाज से जाओ। कलेक्टर साहब आए हैं। नमस्ते सर। ये लो टीचर। अरे अरे, रहने दीजिए, आप बैठिए प्लीज। बैठिए ना, बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं सर। चलिए चलिए, जाइए जाइए प्लीज। आप बैठिए, पढ़ाइए प्लीज, बैठिए। जी सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। आप लोग यहीं रुकिए, बैठ जाइए। गीता रानी, बहुत सख्त हैं आप। आपके स्कूल के बारे में कंप्लेंट्स की एक लंबी लिस्ट आई है। डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करना चाहता है। बड़े ऑफिसर्स के मैसेज आए, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। अब फाइल चेक करना चाहते हैं? मैं मंगवा दूं? रहने दीजिए। शुरू के दिनों में मैं भी आप ही की तरह था, इसीलिए मेरी बहुत ट्रांसफर्स हुई है। अब थक गया हूँ। लंच करना चाहेंगे? जिसके पैसे मुझे अपनी ही जेब से देने पड़ेंगे। रहने दीजिए, मेरा टिफिन है। अपना ख्याल रखिएगा। सर, आपने देखा उस औरत में कितनी अकड़ है? हाँ देखा ना, तभी तो वार्निंग देकर आया हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे लगा था इस साल में स्कूल का प्रिंसिपल बन जाऊंगा। स्कूल का प्रिंसिपल बनकर मुझे कितनी खुशी होती। पूरे एक साल मैंने कोशिश की कि यहाँ कोई प्रिंसिपल ना आए, लेकिन इस औरत ने यहाँ आकर मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब तो मेरी नौकरी भी खतरे में है। बहुत दिनों से मैं ये सब सुन रहा हूँ। हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी अपने शहर में। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता। उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे शर्मा रही है? हाँ, मैंने इसे कहा था मेरे पास आकर बैठ जा, लेकिन ये उसके पास जाकर बैठ गई। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? बस ऐसे ही गीता। कुछ नहीं गीता। क्यों हंस रहे थे इतना? ए, तू बता ना। आप हमारी दोस्त है, टीचर नहीं, सही ना? हाँ कहेंगी तभी बताऊंगी। ठीक है, बताओ मुझे। एक लड़का है जो हमारी बस में स्कूल आता है, वो इसे देखकर हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो उसका मुस्कुराना तुम्हें कैसा लगता है? अब देखो, ये भी मुस्कुरा रही है गीता। दिल में अजीब सी गुदगुदी होती होगी ना? भूख नहीं लगती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिना वजह मुस्कुराती रहती हो। तुम्हारी उम्र में ये आम बात है। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, समझे? ये सब तो होता रहेगा, लेकिन खुद को संभालो। इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी कुछ बन पाओगी। अगर रुक गई तो जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। अगर छोटे छोटे सोने के टुकड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आखिर में एक बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ लगेगा, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए रुको मत,
इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो, तभी तरक्की मिलेगी। समझी फराना? ठीक है, कल से मैं दूसरी बस में जाऊंगी। सब बाहर निकलो, जाओ। सुना नहीं? तूने बच्चों को भेजने से मना कैसे किया, वो भी हमारे इलाके में? क्यों, तू कोई महारानी है? हाँ, दरवाजा बंद कर। ठीक है भाई। अरे ये सब क्या कर रहा है? इसे बताना पड़ेगा कि डर क्या चीज है। आदमी हो या औरत, जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होता है वो हमें जिंदगी भर नहीं भूलता। ओए भाई, इसका थोबड़ा बिगाड़। दरवाजा खुलेगा? हाँ खुलेगा मैडम, जल्दी खोलो। सॉरी मैडम। ए, अरे चाबी किसके पास है? मेरे पास है। जल्दी दरवाजा खोलो। बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है, मार मार के थोपड़ा बिगाड़ दिया। बहुत मारा उसने, पूरा मुंह सुजा दिया। इसे भी पीट दिया? सीईओ ने बताया कि कलेक्टर भी उसके साथ है। तुम कोई ऐसी गेम खेलो कि पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम ये काम कर पाओगे? मैं कर लूंगा सर। बेटा, मैंने लंच में बाहर बिरयानी खा ली थी, मुझे पता ही नहीं था कि तुमने मेरे लिए लंच बनाया होगा। बुरा मत मानना, तुमने तो खाना खा लिया ना। ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद की ना, अब जोर से सांस लो। अब ठीक है? ओके बाय बेटा। ठीक है डैड, ज्यादा घूमिए मत, घर जाकर आराम कीजिए। अंदर आओ। मेरे घर पे मिठाई बनी थी। थैंक यू। कैसा लगा? आप मुझसे शादी करेंगी मैडम? क्या? मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर आप ये मिठाई खा लेंगी तो आप मुझसे शादी करेंगी, इसलिए मैंने आपको मिठाई खिलाई। आपने खा लिया ना, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा, पहले तुम बड़े हो जाओ। ठीक है? ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। मैं किसी से नहीं कहूंगा। बहुत अच्छे। चल चल चल, उठ जा उठ जा उठ जा। छोड़ से। रुक।
नहीं। हम इस पचड़े में क्यों पड़े मैडम? आप झगड़ा रोकने से इतना डर क्यों रहे हैं? अच्छा होगा आप भी इसमें ना पड़े। बेवकूफ, बंद करो ये सब। मैंने कहा रुक जाओ। मरिया पा, हटो। क्या हो गया सबको? स्टॉप इट। रुको, क्या कर रहे हो? इन लोगों ने हमारे दोस्त को मारा है। टीचर, हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठने वाले, हम लोग भी इनको मारेंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? हमारी जाति, हमारे लोग। एक घंटे के अंदर इन लड़कों के हाथ से धागे निकाल कर जला दो। मैडम, ऐसा पंगा मत लीजिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हम यहाँ दूसरे शहरों से काम करने आए हैं, इसमें उलझ कर हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जाइए और अपनी माँ के पल्लू में छुप जाइए। अगर इतना ही डर लगता है तो घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन घर की छत भी तो सर पर गिर सकती है ना। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना एक तरह का क्राइम है। आज तक ये बात आपको किसी ने सिखाई नहीं? जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखो वो हमें किस पचड़े में खींच ले आई है। अब हम इस औरत को स्कूल में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, उस प्रिंसिपल ने बच्चों के हाथ से कास्ट बैंड को हटाकर जलाया है ना, उससे जात पात को मानने वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है मैडम। जात पात समाज से खत्म नहीं होगा, इसीलिए तो बर्थ सर्टिफिकेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरे देशों के लोग आज चांद पर पहुंच चुके हैं और हमारे यहाँ के लोग आज भी जात पात के नाम पर लड़ते ही रहते हैं, और हमारे ये नेता लोग हमेशा एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं और उन पर राज करते हैं। देखिए भीड़ जमा हो गई मैडम, आज मैं भी उस औरत को देखना चाहता हूँ। सर, यही हमारी प्रिंसिपल है। क्या आप ही हैं प्रिंसिपल गीता रानी जी? हाँ मैम। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसलिए फिलहाल आप स्कूल के अंदर तो नहीं जा सकती। वो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मैं ही उनसे बात करूं। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। भैया पैसे। अब खुश में जा रही हूं, लेकिन आप लोगों से तीन सवाल कर सकती हूं। लोग फंस गए सारे। क्या है तुम्हारे सवाल, पूछो। पहले उनसे सवाल करूंगी जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और खासकर उन लोगों से पूछूंगी जो मेरे खिलाफ खड़े हैं। राज्य सरकार का पिछले साल का बजट क्या था? 1,90,00,000 रुपए, जिसमें से 70,000 करोड़ सरकार सैलरी और पेंशन इन दो चीजों पर खर्च करती है, जो पूरे बजट का 35% होता है। 18,00,000 तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं। इसके बावजूद आप रोते रहते हैं कि सुविधाएं कम है, सैलरी कम है, और कुछ टीचर्स तो बेकार की कंप्लेन करते हैं कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। लेकिन एजुकेशन का स्तर कितना बुरा है, स्टूडेंट्स को बेसिक चीजें नहीं मिलती, उन्हें तो ठीक से पढ़ाया तक नहीं जाता। सिस्टम में बदलाव जरूरी है, लेकिन आप लोगों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की है। और हाँ नेताजी, आपके झंडे तो पूरे शहर में हैं, आपकी पार्टी के ऑफिस भी हर जगह पर हैं,
लेकिन इससे अच्छा तो ये होता कि आप लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाते। लेकिन आप तो जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं और इसी से अपनी तिजोरी भरते हैं। अपनी जाति वाले कितने लोगों का भला किया है आपने नेताजी? आपकी जाति वालों को जितना रिजर्वेशन मिला है उतने पैसों में तो कितने सारे बच्चे अच्छा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इतना नहीं तो कम से कम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाने के बारे में सोच लेते। अपने गुंडों और चमचों के अलावा किसका भला किया है आपने? बताइए क्या कहना है? तू मेरे खिलाफ मेरे लोगों को भड़काना चाहती है? एक सवाल और है। मुझे तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। मैं तुझ जैसी औरतों को जानता हूँ। चलो सब लोग। चलो चलो चलो। समझती क्या है? दिमाग खराब कर दिया। तुम हमेशा टीचर्स के खिलाफ रहती हो। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो सैलरी की बजाय तुम लोगों का नाम करप्ट लिस्ट में होगा। अच्छी तरह से सुन लो, 38 टीचरों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जरा अपने हाथ ऊपर उठाकर बताओ कि कितने टीचर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जब आपको ये खुद पर भरोसा नहीं तो दूसरों को कैसे होगा? अब मैं अंदर जा रही हूं। जिसमें हिम्मत हो मेरे सामने आए। बिना डरे हर चीज का सामना करती है। कोई भी सवाल किया जाए पूरी ताकत से जवाब देती है। और अब उसे पूरा शहर जानने लगा है। अगर हमने उसे नुकसान पहुंचाया तो हमारी इमेज भी खराब हो जाएगी। सोच समझकर कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? पहले बड़ा उछल रहे थे? मैं तुम्हारे अंदर के दुख दुख ही सुन सकता हूं। वो मुझे भी बहुत कुछ सिखा रही है। अब हमारा अगला हमला ऐसा हो कि वो जिंदगी भर याद रखे। लेकिन उसके लिए हमें उसका पूरा बैकग्राउंड अच्छी तरह से जानना होगा। मुझे लगता है मैडम को पता चल गया कि इसमें तुम्हारा ही हाथ है। हरीश तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में कोर्ट का चक्कर लगा रहा है और उसके बाद तुम्हारी नौकरी जाएगी। परेड दाएं मुड़ेगा। एक दो तीन चार। एक परेड आगे बढ़ेगा, बाएं मुड़ेगा। एक दो तीन चार। परेड सावधान। एक परेड सावधान। एक परेड बाएं चलेगा, बाएं मुड़। एक दो तीन चार। एक परेड सामने को के चल। एक दो एक एक दो एक परेड रुक जाओ। स्टॉप खाली एक दो। अरे रंगनाथ वहां देख सामने क्या हो रहा है। हाँ यार क्या हो रहा है? कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है सर? सब कुछ बढ़िया है। और आप कैसे हैं जी? जी हाँ, यू कैरी ऑन। ठीक है जी मैम। अगर उससे बात करें तो वो सब कुछ बता देगा। जाओ पूछो उससे। सिंह साहब, अरे सिंह साहब मेरी बात तो सुनिए। ऐसे चल रहे हो जैसे दौड़ रहे हो। आप मैडम के साथ क्या बात कर रहे थे? और ये मैडम आई कहाँ से है? ओए मैनू हिंदी नहीं आंदी। मैनू पंजाबी नहीं आंदी है। जाओ उसे बुला कर ला जिसे पंजाबी आती है। अब यहाँ किसको पंजाबी आती होगी? अरे जाना। पाजी किथे हो तुसी? अरे चुप कर आजा। तू एक बच्चे को लेकर आ गया? सर ये गराज वाले का बेटा है, ये रोज पंजाबी मूवी देखता है। चल बेटा पंजाबी बोल कर दिखा। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। देखा मैनू पंजाबी आंदी है सर जी। मैंने जो कहा इनसे पूछो। ऐ मैनू पूछया कि मैडम इत्थो पहले किथे काम कर रहा सी? ओ मैडम बहुत महान है, शक्तिशाली है, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थी। मैडम मिलिट्री की एक बड़ी अफसर रह चुकी है। मिलिट्री में? हाँ।
होती हैं, आक्रमण, आत्मरक्षा और असफलता। ये तीनों हमारे नियंत्रण में है। आक्रमण करने से हम आगे बढ़ते हैं, आत्मरक्षा से हमारा बल बढ़ता है और हार से हमारा नवीनीकरण होता है। इससे हमें नया रास्ता मिलता है। समझ गए? रिलीव होना क्यों चाहती हो? क्योंकि अब मैं छोड़ सकती हूँ। ये सब नॉनसेंस मुझे मत बताओ। तुम इतनी काबिल हो कि हाईएस्ट रैंक तक पहुंच सकती हो। मुझे गर्व है कि मैंने मिलिट्री में काम किया, लेकिन अब मुझे यहां से जाना होगा। तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से तुम तहसीलदार, डिप्यूटी कलेक्टर, कोई भी पोस्ट ज्वाइन कर सकती हो। फिर ये स्कूल में प्रिंसिपल बनने की जिद किस लिए? तुम्हें तो मिलिट्री स्कूल में प्रमोशन भी मिला था। वो सब तो ठीक है, कोयम्बटूर या मदुराई जैसे बड़े शहर को छोड़कर दूर दराज बसे किसी छोटे से शहर में जाने का फैसला क्यों किया? मुझे वहीं होना चाहिए सर। ओके, लगता है तुमने पहले से ही सब तय कर रखा है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। तुम तो गए, तुमने शेरनी से पंगा लिया है। मिलिट्री से? अंधेरे में आगे बढ़ने वाला इंसान उसके मुकाबले ज्यादा हिम्मती होता है जिसके हाथ में मशाल होती है। मेरी दादी ऐसा कहा करती थी, ये सच है 100%। नहीं मालूम था कि ये इतनी दमदार महिला है, ये तो हमेशा बिल्कुल शांत रहती है। क्या बात है, आज बड़े शांत हो? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन आपने बात बिल्कुल सही कही थी, सारी गलती टीचर की नहीं होती है, सिस्टम ही सही नहीं है। हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो मैथ में 100 नंबर लाया, बायोलॉजी में 64% और 12th में फेल भी हो गया। अब वो मैथमेटिक्स में बीएससी कर पाएगा? कॉलेज वाले उसे करने ही नहीं देंगे। हमने एक मैथमेटिक जीनियस को खो दिया। प्रिंसिपल मैडम, हर एक टॉपर जीनियस नहीं हो सकता है मैडम, बस वो हर सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। मैडम, आज कितने इंजीनियर सिस्टम की वजह से डिलीवरी बॉय बन गए हैं, कितने ऑटो चला रहे हैं, कितने सब्जियां बेच रहे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है इस लेटर में? हाँ? अगले हफ्ते यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है, हम हिस्सा लेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इस साल भी हमारे स्कूल का नाम न्यूज़पेपर्स में आना चाहिए। ठीक है सर। नहीं आया तो समझो तुम लोग गए काम से, अपने लिए कोई और धंधा ढूंढ लेना। ओके सर। हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है। इसे मुंह की एक्सरसाइज होती है, मैं बाकी एक्सरसाइज नहीं करता इसलिए ये कर लेता हूँ। तो कभी नहीं बदलेगा। अकाउंट में झोल चल रहा है, हाँ? कर ले। सर गुड मॉर्निंग। सर सर गुड मॉर्निंग, गीता मैडम ने आपको बुलाया है सर। हा? किस लिए? पता नहीं सर। सर जी ये तो कमाल हो गया। हा? इसी बात पे हाथ मिलाइए, लाइए। आपने भीड़ जमा की थी ना, सस्पेंड होने के लिए बधाई हो, जाइए। आज तो तेरा मुंडन होगा गंजे। मुझे बुलाया? ये लीजिए। ये रहने दीजिए। लीजिए ना। ये क्या है मैडम? अगले हफ्ते यहाँ जूनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, आप उसके इंचार्ज रहेंगे। मैडम ये मैथ के टीचर हैं और मैं हिंदी की टीचर हूँ। ओह, आपकी नजर अभी से पीटीए फंड पर है। मैं डिसाइड करूंगी कौन इंचार्ज बनेगा और कौन नहीं। पिछले 6 सालों से आप ही इंचार्ज थी ना, हमारे स्कूल को कोई प्राइज नहीं मिला। इस साल भी अगर कोई प्राइज नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये नारों के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो बच्चों को इकट्ठा करके कुछ भी करवा सकते हैं। पता नहीं क्या समझती अपने आप को।
सब पीछे चलो, चलो सब पीछे। कोई भी पीटी मास्टर अगर फील्ड के आसपास दिखाई देगा तो मैं उसकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। सब अपने नंबर के हिसाब से आना। नेक्स्ट 64। ध्यान से नोट करना। सर, हमारे लड़के ने और लंबा जंप किया था। मैं यहां बैठकर देख रहा हूं ना, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। आउट। मैडम, ये लोग घपला कर रहे हैं। मैडम मैडम, हम लोग जीत रहे हैं और वो आदमी गलत कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रही हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन उसे सही जगह दिखाओ। सर, क्या मैं आपसे 3 सवाल कर सकता हूँ? बोलो। सर, आपकी आंख तो ठीक है ना? या आपको 1 और 2 के बीच का फर्क नहीं समझता? रुको, तीसरा सवाल मैं करूंगा। तुम्हारे बच्चों को गलत नंबर दिया जाए तो तुम मान जाओगे? जो जीत का हकदार है उसे दो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारी टीम को नहीं, तुम्हारे स्कूल को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। गेट आउट, आउट, निकलो। इस नेचर ने जो हमें चीजें दी हैं, उनमें चांद, सूरज, आसमान। हमारे स्कूल का नाम पुकारा गया था। तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। मुझे डर लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। तो हारने से पहले डरना क्या? हार जीत तो चलती रहती है। अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा है, बहुत अच्छा है। 10 ग्राम चिप्स की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए, लेकिन बिकते 10 में है, क्योंकि पैकिंग और एडवर्टाइजमेंट में 90% खर्च हो जाता है। मतलब कंटेंट 10% और प्रेजेंटेशन 90%, सक्सेस 100%। सभी साथियों को जमा करो और छक्के छुड़ा दो, जाओ। ए, चलो। पहले तो मैं आपको डिस्क्वालीफाई करूंगा। सर, सस्पेंशन बोनस, इन्होंने की हुई इवेंट्स को दोबारा करवाया है। अब तुम समझ गए? समझ गया सर। तो डरने की क्या बात है? अगले नंबर पर है पुथुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के एस वदीवल का। भले ही किसी के कानों तक मेरी चीख ना पहुंचे, भले ही किसी के कानों तक मेरी चीख ना पहुंचे, भले ही कोई आंख मेरी हरकत को ना देखे, अगर आप पूछोगे क्यों, मैं कहूंगा नेचर देख रहा है। नेचर जो हमें सांस लेने में मदद करता है, नेचर जो हमें खुशबू प्रदान करता है, जो हमें संगीत सुनाता है। On your mark. Set.
अगर मुर्गी मुर्गे को हरा दे तो मुर्गा क्या करेगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। लोगों को अगर पता चल गया कि हम हार गए हैं तो तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। उस औरत ने तुम सबकी छुट्टी कर दी। नालायक लोग, दफा हो जाओ। सॉरी सर। ठीक है, जीतने वाले 8 स्टूडेंट्स से बात करो, उनको हमारे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलवाओ। 8 सीट है सर, 50,000 के हिसाब से 4,00,000 होंगे सर। पिछले साल हमने प्रमोशन पर 14,00,000 खर्च किए थे। अगर उन्हें एडमिशन देते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम 10 बार न्यूज़पेपर्स में आएगा। फ्री प्रमोशन मतलब हमारा खर्चा आधा, मतलब 3,00,000 की बचत। आइंदा मुझे मैथ मत सिखाना। आपसे मिलना चाहता था सर, गवर्नमेंट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल था। नमस्ते सर। तुम वाइस प्रिंसिपल थे? हाँ सर, हाँ, और सब मुझसे खुश भी रहते थे, लेकिन उस औरत ने मुझे सस्पेंड कर दिया। ये तो तुम कह रहे हो ना, हम भी पता लगाएंगे कि तुम किस लिए आए हो। वहाँ के स्कूल की टीचर्स की हालत बहुत खराब है सर, हमें उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। डिसिप्लिन के नाम पर उनसे बैलों की तरह काम कराया जाता है, ठीक वैसे जैसे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ। 2 दिन बाद वहाँ एनुअल डे का फंक्शन है, उनका एनुअल डे आपके मुकाबले कम नहीं होगा। जरा सोचिए इससे आपके स्कूल पे क्या असर पड़ेगा। हमारे भले की बात कर रहा है। यस सर। वहां पर एक बुके भिजवा दो। ठीक है सर। ये अच्छा रहेगा ना? बहुत अच्छा रहेगा सर। मुझे चैलेंज किया था, देखा मैंने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तुमने 14 साल की नौकरी में तुमसे पहली बार किसी ने काम करवाया है, तो ये बताओ कौन जीता, तुम या मैडम? अकल क्या घास चरने गई है? बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। हाँ, गुड तो अच्छे। ठीक है, मेरे साथ चल, चल मेरे साथ। मम्मी कहाँ ले जा रही हो? आप चल मेरे साथ। क्या हुआ? बोला ना, चल। अब मानती हो ना मेरा बेटा 0 नहीं है? तुम्हारा बेटा जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी बद्दुआ है, इसका कभी भला नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा था, मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए बहुत डरी हुई थी। थैंक्स। सर ये क्या हुआ? आपने बुके भिजवाया था लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। जरूर होगा, इंतजार करो। मैं आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैडम आइए। मैं MSC स्कूल से आया हूं मैडम, हमारे प्रेसिडेंट ने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है। बैठिए। थैंक यू मैडम।
आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैडम, हर जगह आपकी ही चर्चा हो रही है। आपकी ये सेवा सिर्फ यहीं पे सिमट कर नहीं रहनी चाहिए। सरकार आपके टैलेंट की रेस्पेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही आपके टैलेंट को अच्छे से समझ सकती है और उसकी कीमत भी दे सकती है। मेरा मतलब है आप MSC स्कूल की प्रिंसिपल बन जाइए। मैं अपने सर की तरफ से आपको ये प्रस्ताव दे रहा हूँ, इसीलिए सर ने आपके लिए बुके भेजा था। इसके अलावा एक और चीज लाया हूँ, ये लीजिए। ये क्या है? 5 लाख कैश सर ने आपको देने के लिए कहा है। आप चाहते हैं मैं आपके स्कूल के लिए काम करूं? मैं उनसे मिलूंगी तो कह दूंगी कि आप बड़े ही वफादार आदमी हैं। ये पैसे उठाइए और निकलिए। मैडम सर बहुत अच्छे आदमी हैं, आपकी जो डिमांड है वो बता दीजिए, मैं सर से बात करूंगा, वो सारी डिमांड पूरी करेंगे। आप शक्ल से समझदार लगते हैं, इस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले समझदारी क्यों नहीं दिखाई? अब निकलिए, जाइए यहां से। मुझे बाहर निकाल दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी सर। छे, निकल बाहर। इससे अच्छी तो वही है। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था? मुझे लगा उसमें बम है। क्या तूने मुझे आतंकवादी समझ रखा है? तू चाहता है मैं बच्चों की जान ले लूं? तू टीचर बनने के लिए कहीं से भी फिट नहीं है। मारने और जीतने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उस औरत ने मुझे चैलेंज किया है, मुझे उसे हराना होगा। लेकिन तू अभी मेरे स्कूल से बाहर निकल, निकल। मेरे पास एक और आइडिया है सर। बोल। 82 स्टूडेंट्स जो पिछले साल 9 स्टैंडर्ड में फेल हुए थे ना, उसने उन्हें 10 स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दिया है। एग्जाम 10 दिन बाद है, हॉल टिकट भी आ चुके हैं। अगर हम उसके खिलाफ केस फाइल करें तो उसे फंसा सकते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, आइडिया अच्छा है। बाकी मैं देखता हूँ, कभी भी मेरे स्कूल मत आना, निकल बाहर। उस जगह को साफ कर जहाँ ये खड़ा हुआ था, और मेरे दामाद को फोन लगा। जी ठीक है। अंदर आओ। आज क्या लाया हो मेरे लिए? आज कुछ नहीं लाया। तो फिर? कल कुछ लोग लड़की का हाथ मांगने आए थे, मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा शादी के पहले लड़की का हाथ मांगना पड़ता है, उसके बाद ही लड़की से शादी होती है। मतलब? इसलिए मैं आपका हाथ मांगने आया हूँ। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, क्यों मम्मी पापा से बात करूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम, मेरा भाई बात कर लेगा, वो 7th क्लास में है। टिटोई करूंगी तुम्हारी, क्लास में जाओ। नाराज हो गए लगता है। ये लो नई पेंसिल तुम्हारे लिए, रबड़ वाली पेंसिल। बहुत शैतान है वो, मुझसे शादी करना चाहता है। शायद वो तुम्हें कुछ याद दिला रहा था, बहुत से लोगों का रिश्ता आ रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हो कि अपने फैसले पर ही अड़ी हुई हो। आप जाकर सो जाइए, गुड नाइट। हमेशा चुप कराने का बहाना ढूंढ लेती है। पापा मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाएंगे? पापा, पापा,
डॉक्टर, प्लीज घर आ जाइए। लगभग 2 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है। अगर रात को ही मुझे खबर कर दी होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। इनकी रिपोर्ट बना दीजिए। ठीक है। ममता, आज मैं फर्स्ट हाफ में नहीं आऊंगी। ठीक है मैडम। ओके। आपके पिताजी बीमार है क्या? मेरे पिताजी गुजर गए। मैं साथ चलूं? कोई बात नहीं, मैं संभालूंगी। आप चलिए, मैं पीछे आती हूँ। ठीक है। बॉडी को नीचे मत रखो, घुमाओ। हाँ, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? बहन जी, आप अंदर नहीं आ सकती। ऐसी जगह पर औरतों का आना मना है। मुझे रास्ता दो। लंच ब्रेक में सारा स्टाफ प्रिंसिपल के घर जा रहा है उनसे मिलने, हमें भी चलना चाहिए ना। ठीक है। ए, वहां देख, इसके बाप को मरे 1 दिन भी नहीं हुआ और ये स्कूल चली आई। बड़ी अजीब औरत है ना, इसका दिल पत्थर का है। फेवरेट करी बनाई, बहुत ही स्वादिष्ट थी। अब कल तुम अपना मनपसंद वाला पुलाव बनाना, मुझे लगेगा मैंने खाया। बेटा, तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। हाँ, इसलिए अब अपने पापा की सुनो, आंखें बंद करो, अब जोर से सांस लो। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, बाय बेटा। स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए तैयार हैं? इन आंसुओं को मत रोको बेटी, इनका बह जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है।
सर, जैसा आपने कहा था, हमने आपके साले का मामला सेट कर दिया, अभी सब ठीक है। तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है। ससुर जी, क्या हुआ? अपना काम हो गया है। जैसा आपने कहा था वैसा ही। कल उनमें से एक भी लड़का एग्जाम नहीं दे पाएगा। बहुत अच्छा। बच्चे, तुम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हो, तुम्हें बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे यहां एक साल हो चुका है और मैंने कोई काम नहीं किया। इसने कोई काम नहीं किया? मैंने आप पर पढ़ने के लिए दबाव डाला और टीचर्स पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप पास होते हैं तो आपकी मेहनत होगी और कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी। आपके स्कूल के कुछ टीचर्स 100 रुपए देंगे उन बच्चों को जो उनकी बुक्स को पूरी पढ़कर फिनिश करके दिखाएगा। ये कमाल का जज्बा है। किताबें सोसाइटी को बदल सकती हैं। जहां तक प्रैक्टिकल स्किल्स की बात है तो उसमें कुछ लोगों ने कमाल कर दिखाया है। मैथ्स के पूरे फॉर्मूले को एक गाने में बदल कर दिखाना, ये सिर्फ एक पैशन है। सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स बहुत कम हैं। टेक्नोलॉजी के बावजूद आप लोग पीछे रह गए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट स्कूल के 1% भी बच्चे नहीं जा पाते। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 5% से भी कम जा पाते हैं वो बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। एजुकेशन के लिए उन्हें सिर्फ 50% रिजर्वेशन दे दें तो इस गरीबी को मिटा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती सरकार कौन सी गरीबी मिटा रही है। ये तो वही जाने। हालात ऐसे हैं तो सोचिए ये लड़ाई कितनी आगे तक जाएगी। आपके स्कोर्स के हिसाब से ही दुनिया आपको आंकेगी। जिस तरह इस दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही टैलेंट भी अलग अलग होते हैं। अपने टैलेंट को ढूंढकर आगे बढ़िए। सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छी साजिश की है उन लोगों ने। जिन बच्चों को आपने पास करवाया वो कल एग्जाम नहीं दे सकते। साइन कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर आ गए हैं। कितने पेपर्स आए हैं? मुझे पता नहीं है मैडम। एग्जाम के बाद मिलते हैं। ये आगे पास करो। पास करो। सबको क्वेश्चन पेपर मिल गया ना? रोल नंबर लिखो। प्लीज जरा हटिए, पहले ही लेट हो चुका हूं। सभी लोग बैठ जाओ। ये उसे पास कर दो। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई इसलिए सबको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ ठीक है। और ससुर जी,
जीत की खुशी मना रहे हैं? एग्जाम दे रहे हैं, जल्दी कोर्ट जा। ऐसा कैसे हो गया? बहुत अच्छी साजिश की है उन लोगों ने। जिन बच्चों को आपने पास करवाया वो कल एग्जाम नहीं दे सकते। डैड, प्रिंसिपल का फोन है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मदद चाहिए? हाँ, प्लीज बताइए ना। नाइन्थ के बच्चों के एग्जाम में कुछ दिक्कत आ गई है। आपको मंत्री जी से बात करनी होगी। ऑफिसर्स मंत्री के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते। आपके रिक्वेस्ट को मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं उससे 7 साल बाद बात करूंगा, और वो भी सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। ससुर जी, क्या हुआ? हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिला। उन्होंने सुनवाई आगे बढ़ा दी। ठीक नहीं हुआ, हम हार जाएंगे समर वैकेशन के बाद। बिल्कुल नहीं, ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि जजमेंट अपने फेवर में ही आएगा। आप फिकर मत कीजिए, जीतने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। नमस्ते प्रिंसिपल जी, कैसी हैं आप? सोचा आपके घर पर मुलाकात करूं, लेकिन दुख की बात है कि आपके पिताजी नहीं रहे। तो मुझे चाय कौन देगा? आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। मुझ जैसे आलसी को आपने मेहनती बना दिया और मुझे बड़ा सबक सिखाया और मेरी बराबरी पर आकर खड़ी हो गई। जब अगले साल स्कूल खुलेगा तो सिर्फ आप ही नहीं, वो स्टूडेंट जिन्हें आपने क्लियर किया स्कूल के अंदर कदम नहीं रख पाएंगे। लोगों के लिए काम करने की बजाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे लिए काम करते हैं। अब मैं चलता हूं। चले 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट कल घोषित किया जाएगा। ये रिजल्ट पॉन्डिचेरी और तमिलनाडु में सुबह 9:30 बजे डिक्लेयर होगा। आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मैडम, आप छुट्टियों में स्कूल क्यों जा रही हैं? कल रिजल्ट आने वाला है, उसी की तैयारी के लिए जा रही हूँ। ये एग्जाम वगैरह बंद हो जाने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपके पैसे। थैंक यू मैडम। यहाँ कैसे? नमस्ते मैडम। मैं आज रिटायर हो रही हूँ। रिटायरमेंट वाले दिन छुट्टियाँ चल रही हैं। जब स्कूल खुलेगा तो आप मेरा रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दीजिए। आइए मेरे साथ। स्कूल के साथ मेरा कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल में टीचर हुआ करते थे। मेरी यही उनसे मुलाकात हुई। हमारा एक बेटा था, वो भी इसी स्कूल में पढ़ा था, आपके उम्र का था। एमएड करने के बाद
वो टीचिंग करना चाहता था। अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था। ज्वाइन करने से पहले उसका एक्सीडेंट हुआ। उसका नाम कदीर है, कदीरसन। 1995-98 BSc अगपा यूनिवर्सिटी, उसके बाद MSc किया। मैं भी उसके साथ ही पढ़ी थी। B8 के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया था। उसकी नौकरी लगते ही हम शादी कर लेंगे ऐसा सोचा था। नौकरी मिलने के बाद उसने कहा कि हम जल्दी शादी करेंगे। मदुरई एयरपोर्ट पर गुड बाय कहा था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसकी मौत की खबर मिली, वो जब भी मुझसे बात करता था स्कूल के बारे में जरूर कहता, और आज उसी स्कूल में मैं बिल्कुल अकेली हूं। वो इसी स्कूल में था ना, उसने कहा था कि रानी जैसी पत्नी लाएगा। यही कहकर बुलाता था, रानी, गीता रानी। क्या मैं आपके घर आ सकती हूं? ऑफिस की चाबियां दीजिए मैडम। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। अच्छा देखो, कल मैडम को 3 बजे पेश करना है, ठीक है, और फॉर्म पर उनके साइन लेकर सेंट्रल जेल भेज देना है। ये सब ध्यान से करना। सर आप जल्दी से बाहर आइए। अब क्या हुआ? कोर्ट में पेश करना है और भीड़ है कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल है। अगर लाठीचार्ज की परमिशन नहीं मिली तो कुछ नहीं हो पाएगा, और सच कहूं तो ये लोग सुनेंगे भी नहीं। देखिए बात को समझिए और पुलिस फोर्स भेजिए। ओके सर, बाकी बातें मिलने के बाद करते हैं। मैं अभी आ रहा हूं सर। थैंक यू सर। वकील ने फौरन बुलाया, बहुत ही अच्छा वकील है, बहुत अच्छे से डिफेंस करेगा। हम मैडम को जेल से निकाल लेंगे। चलो चलते। कोर्ट का ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब कानून और अदालत लोगों के लिए नहीं है?
आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में? अभी ये बात करके क्या फायदा? आप हमारे तकलीफ को नहीं समझ सकते सर। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शांत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ। अगर आप लोग शांत नहीं होंगे तो मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। आप लोग शांत हो जाइए और मेरा कहना मानिए। सुनते क्यों नहीं? ये सर मैंने पहले ही कहा। मैं उनसे बात कर सकती हूँ? नहीं मैडम, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मामला बेकाबू हो सकता है। आरडीओ बड़े ऑफिसर से बात कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि ये मामला वही सॉल्व करे। सर मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके सर, ओके। पुथूर के गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल गीता रानी को आज सुबह 10:30 बजे स्कूल से गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल पहले ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने उन बच्चों को 10th के एग्जाम दिलवाए जो 9th में फेल हो चुके थे। प्रिंसिपल की गिरफ्तारी से नाराज स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक उनको छोड़ने की मांग कर रहे हैं और धरने पर बैठ चुके हैं। कई अफसर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ लगातार उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। सर नमस्ते। सर नमस्ते, आप लोग कौन? आपसे फोन पे बात हुई थी। 2 मिनट बाद भेजना। हाँ जी सर। पता नहीं है क्या करेंगे, लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले। मैडम आपने कुछ नहीं खाया है, मेरा खाना शेयर कर सकती हैं। बाहर बैठे लोगों ने कुछ खाया? मुझे भी नहीं चाहिए, थैंक्स। एक मिनट। हाँ सर, वो सारे स्कूल के बच्चे हैं तो उन पर लाठी चार्ज कैसे करें? और हर जगह मीडिया के लोग हैं, हम सुबह तक इंतजार करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। कल 10th का रिजल्ट है, पहले मुझे देखना है। अगर आप यहाँ रहेंगी तो देख पाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात को आपको सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा, वहाँ मुश्किल होगी। ओह ऐसा क्या, ठीक है मैं देख लूंगा। सर उन लोगों ने तो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए। 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स पास हैं या फेल ये डिसाइड करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स पर 3-4 गजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए। कोर्ट भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। उस औरत ने खुद सारे फैसले अकेले लेके बहुत बड़ी गलती की है, और ऐसे मामलों में सबसे पहले डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। अगर कोर्ट ने देखा कि एक्शन नहीं लिया गया तो मामले को गंभीर माना जाता है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। 11:30 से ज्यादा बज चुके हैं, कोई यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं। ये लोग ना ही अथॉरिटी से बात करना चाहते ना ही मीडिया से, ये सभी अपनी जिद पे अड़े हैं। ये हर हाल में प्रिंसिपल मैडम को बाहर निकालना चाहते हैं। देखते हैं इनका धरना कामयाब होता है। मैंने कुछ और ही सोचा था, यहाँ कुछ और हो गया। हमने उसे मुफ्त में पब्लिसिटी दे दी, अगले साल पब्लिसिटी पर 5 लाख खर्चा और करना पड़ेगा। अपने लोगों को भीड़ में भेजकर भगदड़ मचवा दूं? वो पूरे शहर की चहेती बन चुकी है, अब देश में मशहूर करना चाहता है। समझ में नहीं आ रहा इस मामले को कैसे हैंडल किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स अपने अथॉरिटीज के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सर कलेक्टर लाइन पर है। हाँ। जी सर बोलिए। सर क्या स्टेटस है? वैसे ही है, समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अच्छा सुनिए सर, जो भी लीगल प्रोसीजर होता है फॉलो किया जाए। ओके सर। कोई दिक्कत ना हो इसलिए डिप्यूटी कलेक्टर को भेज रहा हूँ। ओके सर। जी सर। हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। बताइए सर, समझने के लिए तैयार ही नहीं। देखिए आप लोग हमारी बात सुनिए, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके खिलाफ वारंट इश्यू हुआ है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? जहाँ 4 ऑफिसर्स के सिग्नेचर चाहिए थे वहाँ उन्होंने अकेले साइन कर दिया, और ये उन्होंने गलत किया। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप अपने अपने घर जाइए। ये डिटेल्स हैं। ओके मैडम, रिजल्ट आते ही प्रिंट आउट दे देना। ठीक है। ठीक है आप लोग यहीं बैठे रहिए, लेकिन वो प्रिंसिपल को नहीं छोड़ने वाले हैं। छोड़ दो, छोड़ दो प्रिंसिपल को, छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो प्रिंसिपल को, छोड़ दो। छोड़ दो प्रिंसिपल को, छोड़ दो।
पुलिस स्टेशन के सामने प्रिंसिपल को छोड़ने की मांग को लेकर लोग और स्टूडेंट्स लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह के 10 बजे 10th क्लास के रिजल्ट निकलने वाले हैं। कोर्ट के ऑर्डर इश्यू हुए 24 घंटे हो चुके हैं। देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा है। पापा मुझे फोन दो ना, रिजल्ट आने का टाइम हो गया है। होम सेक्रेटरी। यस सर। ठीक है सर। यस सर। ये लीजिए मैडम। ऐसी बात है। ठीक है सर। पापा, मैं एग्जाम में पास हो गया। हितिक मैं पास हो गया। हाँ, मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। मेरी बात सुनिए, जिन 82 स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ने 10th में प्रमोट किया था उनमें से 79 पास हो चुके हैं और उनमें से 14 बच्चों ने 400 से ज्यादा मार्क्स पाए हैं, इसलिए कोर्ट ने प्रिंसिपल को रिहा कर दिया। कहा कि कुछ अफसरों का कहना है कि बच्चे एग्जाम में बैठने लायक नहीं हैं, लेकिन बच्चों ने 10th की परीक्षा पास करके उन ऑफिसर्स को गलत साबित कर दिया। हो गया टीचर, इसके 412 नंबर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टीचर। अन्याय के खिलाफ लड़कर उसे रोकने की बजाय सिर्फ उसके खिलाफ बोलने से आप अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं, वही इतिहास रचते हैं।